देखिए हमारी एक्सपेक्टेशन तो डे वन से यही थी, हमसे ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, ये लोगों की ख्वाहिश थी कि एक अलायंस स्टिच किया जाए जहाँ पे फ्रेगमेंटेशन ऑफ वोट्स जो हैं वो उसको अवॉइड किया जाए और एक सरकार ऐसी बने जो बीजेपी को आउट ऑफ पावर कॉरिडोर्स रख सके। तो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही लोगों ने वर्डिक्ट दिया है एंड वी आर होपफुल दैट द अलायंस इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सर जो है यूनिवर्सिटी कहा कि जो भी सरकार बनी जाएगी वो तब तक वेट करेगी जब तक स्टेटहुड को रेस्टोर नहीं किया जाएगा, पावरफुल सरकार ना बने तब तक वो दूर रहे सरकार। इट इज़ हिज यू नो डिसीजन कि वो क्या करना चाहेंगे। आई डोंट थिंक आई शुड कमेंट ऑन दैट बट इट इज़ हिज डिसीजन, ही इज फ्री टू हैव हिज माइंड। सपोर्ट भी उन्होंने कहा कि अगर मेरी भी जरूरत पड़ी सरकार बनाने इंडिया अलायंस को या जो यहाँ पर अलायंस है हम फॉर्म करेंगे। आई हैव बीन मेंटेनिंग इट फ्रॉम द डे फर्स्ट कि कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी जो सेम पेज पे हैं जिनका एजेंडा यही है कि बीजेपी को कैसे आउट ऑफ पावर रखा जाए और उनकी उस डिविसिव पॉलिसी